और मेकअप भी बिल्कुल मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ क्योंकि ना मेकअप हल्दी के ऊपर मेकअप किया है ना। प्लीज कोई कृपया कोई मेकअप वाला हो ना तो भाभी को हमारी लिंक शेयर कर दीजिए क्योंकि ना उनको मेकअप कराना है बहुत अच्छा सा। अभी तो मैंने कर लिया है बट ना हल्दी नहीं छूट रही है और हल्दी के ऊपर ही मैंने मेकअप किया है तो बस अभी कर लिया थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा था। सो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं और हमारी दुल्हन भी आ गई है रेडी करके। सो दुल्हन को दिखाते हैं और ये हमारी पीछे ननद साहिबा ये भी आ गई पार्लर में रेडी हो गई। मेरे को छोड़ के चली गई तो मेरे को छोड़ के चली गई थी पार्लर में अच्छा भर रहे तो इसमें भर रहे हम इसमें मोबाइल में। सो गाइस हमारे यहाँ ना बारात आ चुकी है फाइनली। थोड़ा सा शोर आएगा क्योंकि ना बाहर बहुत सारी लेडीज बैठी हुई है तो वो गाना गा रही है। हम लोग रेडी हो गए हैं अभी जाते हैं हम दुल्हन के पास। दुल्हन को दिखाते हैं दुल्हन कैसी लग रही है क्योंकि मैंने भी अभी तक नहीं देखा है। ये लोग आ गए हैं पार्लर से क्योंकि मैं यहाँ रेडी हो रही थी ना इसीलिए ये लोग गाना गा रहे हैं। मेरे को बिल्कुल पता है बैकग्राउंड में बहुत गंदा नॉइस आ रहा होगा बट कोई नहीं चलिए ब्लॉग में बने रहिए। लिख के भेजिएगा कि मेरी भाभी कैसी लग रही है और तो मेरी ननद साहिबा तो बहुत सुंदर लग रही है बट आपको जैसी भी लग रही है जरूर लिख के भेजिएगा कैसी लग रही है। वीडियो बना रही हूँ मैं हाँ कि बुआ हमारी देखो डलिया बना रही है जो दुल्हन के संग में जाएगी हाँ ये देखो तैयार होकर निकल रही है रूम में से। ये देखो हमारे यहाँ बन रही है डलिया जो दुल्हन के साथ जाती है और ये देखो कितने कितने टाइप के सेब बना के रखी हुई है और ये कलश रेडी हो रहे हैं बारात के लिए। क्या किसको खींचू खींच लिया मैंने दिखाओ समदी अच्छा ये समदी ने वो समदी कहाँ है अभी समदी क्यों समदी नहीं बनाओगे अच्छा बनाओगे सही है अभी समदी ने बनी है समदी बनाएंगे लग डलिया में रखने के लिए। और बाकी के यहाँ कलश रेडी हो रहे हैं दूल्हे का वेलकम करने के लिए। ये मेरी बहन जी आ रही है और बाकी के हमारे यहाँ देखो शादियों में ऐसे सोते हैं लोग आड़े टेढ़े कतड़ी वतड़ी बिछा बिछू के सोते हैं। ऑर्केस्ट्रा है चलो अपन भी नचे थे अपन ऑर्केस्ट्रा से कम है। ये देखो हमारा बाबू उठ गया है सोके ये ना बोल रहा था कि डीजे पे डांस करेंगे अब ना दोनों माँ बेटे बहुत ही डांस करेंगे दोनों। हाँ डीजे तो बजने से डांस करेंगे एक्चुअली बाबू सो गया था ना अभी उठाए और बोला था मेरे को जब उठाना जब ना डीजे बजाए। अब ये ना देखो दोनों माँ बेटे रेडी सेडी हो गए एकदम
दुल्हन की बुआ भाभी एंड बहनें सारे लोग मिलके दरवाजे पे कलश लेके खड़े हो जाते हैं एंड उसमें नेक डाला जाता है। फिर उसके बाद इन कलश को उतारा जाता है। सो फाइनली हमारे दरवाजे पे बारात आ चुकी है एंड उसके बाद कलश उतारने के बाद फिर दरवाजे पे ही दूल्हे राजा का टीका किया जाता है एंड उसके बाद फिर उनको घर के अंदर आने दिया जाता है। और अभी यहाँ पे क्या होगा, दुल्हन को थोड़ा सा रेडी किया जा रहा है क्योंकि ना दूल्हा दुल्हन को मंडप के सामने मंडप के नीचे लाके खड़ा कर दिया जाता है और दूल्हा ना बिजना फेंकता है मंडप के ऊपर और दुल्हन ये पीले जो चावल है ना हल्दी से जो लपेट दिए हैं हल्दी में और ये जो चावल है ना ये सारे चावल दूल्हे के ऊपर फेंके जाते हैं। सो इस रस्म को देखिएगा एंड कैसा लग रहा है आप लोगों को ये ब्लॉग ज़रूर से बताना। एंड हमारी दुल्हन देखो कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नज़र ना लगे उसको। और ये देखिए हमारे यहाँ की रस्में, किस किस के यहाँ ये सारी रस्में होती हैं ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। एंड ब्लॉग में बने रहिए एंड तक, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को देखने के लिए। देखो सामने इधर तो यहाँ पे स्टेज का प्रोग्राम हो गया है खत्म और ये आ रही है हमारी दुल्हन साहिबा। रास्ता चेंज करो, हमारी दुल्हन साहिबा का चल रहा है यहाँ फोटो शूट। तो ये सारे जितने भी वीडियोग्राफर बैठे हुए सारे जान पहचान के निकल आए क्योंकि हमारे एरिया के ही हैं। तो बाकी का देखो बिहाइंड द सीन ये कैसे उलट पुलट हो रखे हैं। सो गाइस यहाँ पे ना बरमाला का जो प्रोग्राम था ना वो हो गया है और अभी क्या होगा, हमारे यहाँ ना बरमाला के बाद चढ़ावा चढ़ता है। सो उसके लिए फिर दुल्हन को रेडी किया जाता है मावर वावर लगा के। सो ये देखो हमारी दुल्हन साहिबा बैठी है, उसको लग रहा है मावर एंड उसके बाद चढ़ाया चढ़ेगा, उसके बाद फिर पड़ेंगी भावर। बाकी मंडप के नीचे की जो भी तैयारियाँ थी ना वो सारी हो गई, बैक रख करके आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत जल्द ये वाली नाना साहिबा की भी शादी होने वाली है। हिदेश कैसा फील हो रहा है? सो यहाँ पे ये मंडप के नीचे चढ़ावा की सारी तैयारी हो गई, जो चढ़ावा चढ़ता है ये देखो। हाँ दोना लेके हाथ में लो, सामान है वो।
वरमाला होने के बाद फिर फोटो शूट हुआ एंड उसके बाद दुल्हन का चढ़ रहा था चढ़ावा और हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, छत पे जाके हम लोगों ने खूब सारा डांस किया ननद भाभी ने मिलके, और यहाँ पे जहाँ वरमाला हुई थी वो वाली स्टेज पे भी खूब सारा डांस चल रहा था, सब लोग देख रहे थे डांस को एंड खूब इंजॉय किया। कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग ज़रूर से बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड हमारे यहाँ के रिचुअल्स देखने को मिल रहे होंगे तो कैसे लग रहे हैं हमारे शादी वाले ब्लॉग्स ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।